कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आप सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम हो रहा है और सुबह से कोहरा था, इसलिए मैं कहीं निकल नहीं पाई क्योंकि आज है संक्रांत का दिन, आज है खिचड़ी। तो चलिए आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि बनारस में घाटों पर क्या हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और मेरे साथ वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। तो ये है दशा चौकी है दशा समेत घाट की, तो कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। तो चलिए, आज खिचड़ी का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी है। सब कुछ लोग नहाने जा रहे हैं तो कुछ लोग अभी घाटों पे बैठे हुए हैं। तो हमने भी यहाँ पे भैया पी है अभी गर्मा गर्म चाय। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ चलिएगा और बताइएगा कि आज की जो बनारस की मकर संक्रांति है वो आपको कैसी लगी और आज की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद में और दिखाते हैं यहाँ का आपका कुछ नजराना कि यहाँ पर आज का नजराना जो है वो कैसा है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं, दशा समेत घाट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आज का जो है कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और मकर संक्रांति पे आप लोगों ने क्या क्या किया बताइएगा। हालांकि हम तो घर से नहा के आए हैं और हम कहीं भी बाहर जाके स्नान नहीं कर पाते हैं क्योंकि पता नहीं क्यों एक फोबिया सा है, मुझे डर सा रहता है। इसलिए मैं घर पे ही स्नान करके कहीं भी निकलती हूँ तो मैं घर पे स्नान करके ही निकलती हूँ। तो चलिए चलते हैं घाटों पे और देखते हैं वहाँ का नज़ारा और हो सकेगा तो आज जो है हम बोट राइडिंग भी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी आगे बढ़ते चलिए तभी आपको सारी बातें यहाँ की समझ में आएंगी कि क्या क्या है आखिर यहाँ पर देखने के लिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो ये लगी हुई है यहाँ पे टोकरियों की दुकान, ये परमानेंट यहाँ पे लगी रहती है। हालांकि ये एक अलग प्रकार की जो लकड़ी होती है जिसके हमारे यहाँ टेबल बनते हैं, डिनर जिस पे हम डिनर करते हैं वो वाली टेबल जिस लकड़ी से बनी होती है वो कुछ उसी लकड़ी का बना हुआ ये जो है डलिया है। बता रहे थे दुकानदार कि ये पानी में सड़ेगा गलेगा नहीं, तो बहुत ही सॉलिड होता है ये। हालांकि मैंने कभी यूज नहीं किया है तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये है आज खिचड़ी का दिन, तो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग भी सोचेंगे कि खिचड़ी तो कब की चली गई, आप वीडियो इतनी लेट क्यों आप दे रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो लेट होने का कारण यही है कि मेरी जो आँख है वो अच्छी नहीं है इस समय। मेरी आँखों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो गंगा मैया के आप दर्शन कर लीजिएगा, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। पहुँच चुके हैं घाट पे और सारे लोगों का आपको जितना भी उधर जितने भी सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे, पूरी लाइन से नाव लगी हुई है और कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं।
तो ये जी हमारी संक्रांति का कुछ नज़ारा कुछ ऐसा रहा। यहाँ पे सारे जितने भी श्रद्धालु आए हैं नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी ठंडी भी लग रही है, पर मेरा क्या, मैं तो अपना भैया पूरा सेटअप में आई हुई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चल रहा है यहाँ घाटों पे। आप भी दर्शन कर लीजिएगा हमारे साथ, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। घाटों पे इतना ज़्यादा शोर शराबा था कि मैं वहाँ पे सारी बातें आपसे कर ही नहीं पाई। ये कुछ औरतें हैं जो कि गंगा मैया को साड़ी चढ़ा रही हैं, और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की जो मकर संक्रांति है वो कैसी गई। मेरी आँखों में इन्फेक्शन होने की वजह से मैं वीडियो आपको रेगुलर नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ी वीडियो लेट हो गई, उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। क्योंकि जब आँख ही सही नहीं है तो मैं वीडियो अपलोड कैसे करूँ, एडिट कैसे करूँ, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया है। और कुछ लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग गंगा मैया को साड़ी चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग भी घर बैठे गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए, और जो कुछ भी कहना है आप कह दीजिए। और मैं एक ही प्रार्थना करूँगी कि माता रानी आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे, और आपको हर वो चीज़ मिले जो जिसके आप हकदार हैं और जो आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी घूमते घूमते हो चुकी है हमको दोपहर, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमने यहाँ पर भी देख लिया, दर्शन कर लिया, माता गंगा का पूजा भी कर लिया, और हल्की हल्की सी धूप निकल गई है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगली वीडियो मेरी जो है वो बोट राइडिंग की आएगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ बोट राइडिंग करने। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपने बोट राइडिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि कितना मज़ा आता है, और अगर नहीं किया होगा तो मेरे साथ आप भी देख लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय फ्रेंड।